नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा में छिपी संभावनाओं के दोहन के लिए सरकार इसी वर्ष के मध्य से एक राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, लेकिन सौर मिशन के विपरीत इसमें नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। इश्यूज दैट आर नाउ कमिंग अप आर इश्यूज दैट हैव टू बी रिजॉल्व्ड एंड गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन दैट इट विल प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज सो दैट मोर इन्वेस्टमेंट कैन कम इन एंड मैन्युफैक्चरर्स आर ऑल्सो इनकरेज्ड एंड डेवलपर्स ऑल्सो सेट अप विंड फार्म्स इन द कंट्री। देश में पवन ऊर्जा के ग्रिडों को सशक्त बनाना, नई संभावनाओं का पता लगाना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना इस मिशन के उद्देश्यों में प्रमुख हैं। द मेन फोकस ऑफ दिस मिशन देयरफॉर विल बी टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस वेयर गुड रिसोर्सेज अवेलेबल, ट्राई टू सरमाउंट एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल एंड अदर इश्यूज दैट आर नाउ कमिंग अप। Also to provide manufacturers with incentives like excise duty and customs duty concessions so that they can build the best wind farms or the best turbines across the world. पवन ऊर्जा के इस मिशन को अंतिम रूप देने के लिए यह योजना अपने अंतिम चरण में है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है, जिसकी वर्तमान में 19 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। इस मिशन के बाद सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को पाना है, जबकि इसकी कुल क्षमता 300 गीगावाट है। प्रस्तावित मिशन को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। रोहन सिंह, DD न्यूज़।